नमस्कार दोस्तों, स्पार्क्स के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज पवन आकाश से मिलने आया है। आकाश गांव का एक बड़ा किसान है जिसके पास खेती के लिए विभिन्न और बड़े इम्प्लीमेंट्स हैं। आज की मुलाकात पवन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है, तो आइए देखते हैं पवन और आकाश क्या बातें कर रहे हैं। नमस्कार आकाश भाई, मैं पवन। आपसे फोन पर बात हुई थी, कैसे हैं आप? नमस्कार पवन भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपके क्या हालचाल है? आज यहाँ कैसे आना हुआ? आकाश भाई, सच कहूँ तो मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आपसे मैं कई दिनों से मिलना चाह रहा था। मैंने खेती की जिम्मेदारियां जब से संभाली हैं, समय नहीं निकाल पा रहा था। सही बताऊं तो मैं बहुत हैरान हूँ कि कैसे आप खुद का भी काम संभाल लेते हैं और अन्य किसानों का भी मार्गदर्शन कर लेते हैं। मैं तो अपने ही कामों में उलझा रहता हूँ, बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने आपके पास आया हूँ। पवन भाई, इसका पूरा श्रेय मैं टेक्नोलॉजी को दूंगा जिसने मेरी खेती के काम को आसान बना दिया है, और मुझे आप जैसे किसानों की सहायता करने में बहुत खुशी मिलती है। बताइए, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? आकाश भाई, टेक्नोलॉजी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे पवन भाई, खेती के विभिन्न कार्यों में जितना ज्यादा हो सके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इससे समय भी बचता है और क्वालिटी कार्य भी होता है। पवन भाई, मेरे पास है जमीन तैयार करने के लिए रोटावेटर हैरो, लेजर लेवलर, कटाई के लिए स्ट्रॉ रीपर, अभी हाल ही में खरीदा है बेलर, बड़ी हाइड्रोलिक ट्रॉली, ट्रैक्टर संचालित राइस मिल, बुवाई के लिए आधुनिक सुपर सीडर। अरे वाह आकाश भाई, आपकी खेती तो पूरी ही मशीनीकृत है। जी पवन भाई, इन सारे आधुनिक इम्प्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने से मुझे खेती करने में काफी आसानी होती है, और तो और मेरा समय भी काफी बचता है। लेकिन आकाश भाई, आप कौन कौन से ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हो इन इम्प्लीमेंट्स को चलाने के लिए? अरे पवन भाई, मैं सिर्फ एक ही ट्रैक्टर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन विभिन्न आधुनिक इम्प्लीमेंट्स के साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरा स्वराज 969 FE ट्रैक्टर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक ट्रैक्टर से आप इतने सारे इम्प्लीमेंट्स कैसे चला सकते हो? अरे यही तो खूबी है मेरे स्वराज 969 FE ट्रैक्टर की। आइए पवन भाई, मैं आपको स्वराज 969 FE की विशेषताएं बताता हूँ। देखो पवन, अन्य प्रकार के फसल की खेती के लिए हमें चाहिए एक ऐसा ट्रैक्टर जो खेती करने के वक्त मजबूती से चले और भारी और ताकत वाले काम जैसे फसल कटाई, कुटाई, जुताई, धुलाई इत्यादि में काम आ सके। स्वराज 969 FE ट्रैक्टर ये सारे कामों के लिए एक परफेक्ट ट्रैक्टर है। स्वराज 969 FE आता है 3 सिलेंडर्स के शक्तिशाली इंजन के साथ, जिसमें टर्बो चार्जर और इंटरकूलर भी है। इस इंजन की कैपेसिटी है 3478 cc और पावर है पूरे 66 HP, जो अपनी श्रेणी में सबसे अधिक है। ये इंजन 292 Nm का टॉर्क बनाता है, जो अपनी कैटेगरी के दूसरे ट्रैक्टरों में सर्वश्रेष्ठ है, और ट्रैक्टर चलाने के वक्त कम से कम वाइब्रेशन होती है। अधिक टॉर्क ग्रेडियंट पर धुलाई और भारी उपकरणों को खींचने के दौरान काफी फायदेमंद साबित होता है। इसके कम रेटेड 2000 RPM के कारण ईंधन की खपत न्यूनतम है, जिससे ये ट्रैक्टर लंबे समय तक चलता है कम से कम लागत के साथ, और इंजन की उम्र भी लंबी होती है। और तो और, इसमें आता है 20% बड़ा रेडिएटर, जिससे इंजन ज्यादा हीट नहीं होता, और चोकिंग और ओवरहीटिंग को रोकने के लिए बेहतर रेडिएटर सीलिंग भी है। और अच्छी बात यह है कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप इनलाइन टाइप है। आकाश भाई, फिर तो इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर भी बढ़िया होगी। जी पवन भाई, इसमें है लाइव पीटीओ, इकोनॉमी पीटीओ, रिवर्स पीटीओ और मल्टी स्पीड फॉरवर्ड पीटीओ। इसके मल्टी स्पीड फॉरवर्ड और 540 इकोनॉमी पीटीओ कम इंजन आरपीएम पर भी ज्यादा आरपीएम प्रदान करते हैं, जिससे ऑल्टरनेटर, वाटर पंप, थ्रेशर और जेनसेट जैसे इम्प्लीमेंट्स पर
ईंधन की बचत होती है और इसका रिवर्स पीटीओ रोटावेटर रीपर और थ्रेशर जैसे इम्प्लीमेंट्स की सहायता से जमी हुई घास और फसल अवशेषों को बड़े ही आसानी से हटा देता है। ये तो वाकई बड़ा पावरफुल ट्रैक्टर है। जी पवन भाई, इसमें है विशेष सिंक्रोमेश गियर बॉक्स जहां आपको मिलती है 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड का कॉम्बिनेशन, जिससे गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ हो जाती है और थकान भी कम लगती है। इसकी स्पीड 0.8 प्रति घंटे से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो हर इम्प्लीमेंट के लिए सूटेबल स्पीड है। इसमें है सिंगल फॉरवर्ड रिवर्स सिंगल शिफ्ट लेवर, जिससे आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं बिना कोई थकावट के। और इसमें है प्लेनेटरी गियर रिडक्शन सिस्टम, जिससे डिफरेंशियल की लाइफ हो जाती है और ज्यादा। आकाश भाई, इतना बड़ा और भारी ट्रैक्टर आप कैसे चला लेते हैं? पवन भाई, इसमें है 12 इंच का डबल क्लच 7 फ्रिक्शन पैड्स के साथ, जो मक्खन की तरह काम करता है। अन्य ट्रैक्टरों से 2 अतिरिक्त फ्रिक्शन पैड होने के कारण इसमें है 40% अधिक संपर्क क्षेत्र, और इसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच भी है, जो आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। आकाश भाई, ये ट्रैक्टर कितना वजन उठा लेता है? पवन भाई, वजन की तो आप चिंता ही छोड़ दो। स्वराज 969 FE में 2200 किलोग्राम से अधिक वजन उठाने की क्षमता है। ये हैवी इम्प्लीमेंट्स जैसे एमबी प्लाव, फुली ऑटोमेटिक पोटेटो प्लांटर, सुपर सीडर इत्यादि आराम से चलाता है, और इसे भारी भरकम टिपिंग ट्रेलर भी आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। पावरफुल इंजन, मल्टी पीटीओ पावर, बेहतर ट्रांसमिशन और हाई लिफ्टिंग कैपेसिटी के अलावा भी कोई विशेषताएं है क्या? जी पवन भाई, सेंसिलिफ्ट हाइड्रोलिक्स जुताई और बुवाई के लिए सही गहराई काफी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और आपकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। इसमें कंपनी फिटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी आता है, इससे बड़ी ही आसानी से हाइड्रोलिक इम्प्लीमेंट्स ऑपरेट कर सकते हैं। टॉगल स्विच से आप कोई भी इम्प्लीमेंट बस एक बटन दबाने से उठा या गिरा सकते हैं। आइसोलेटर वाल्व की मदद से हाइड्रोलिक सिस्टम पर बेहतर कंट्रोल रहता है। जरूरत न पड़ने पर हाइड्रोलिक सिस्टम लॉक किया जा सकता है और टिपिंग ट्रेलर के नीचे लिंक को उठाए बिना लिफ्ट किया जा सकता है, और ट्रांसपोर्ट लॉक से आप परिवहन के दौरान इम्प्लीमेंट्स को बंद कर सकते हैं। इजी हिच लेवर से एक किसान अकेले ही बड़ी आसानी से ट्रॉली जोड़ सकता है। मान गए आकाश भाई, ये सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, ये तो एक ऑलराउंडर ट्रैक्टर है। पवन भाई, मैं आपको इसके कुछ ऑपरेटर कंफर्ट, सेफ्टी और स्टाइलिश फीचर्स बताता हूँ। इसमें है एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल बीम, जो आप अपनी खेती के कार्य के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और ये बेहद आसान है, किसी भी इम्प्लीमेंट से आसानी से जुड़ जाता है। इसमें है बड़ा प्लेटफॉर्म, जिससे आपको अधिक लेग स्पेस और कंफर्ट मिलता है। इसके बोनेट पुश बटन से आप आसानी से बोनेट खोल सकते हो। सस्पेंडेड क्लच पैडल से बिना थके लंबे समय तक आप ट्रैक्टर चला सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग सेफ्टी स्विच से ये फायदा है कि आपके क्लच दबाने के बाद ही ट्रैक्टर शुरू हो सकता है। इसका सिंगल पीस बोनेट काफी आकर्षक है, और इसमें आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिससे आप कई सारी जानकारी क्लस्टर से ही प्राप्त कर सकते हो। अरे आकाश भाई, ये ट्रैक्टर कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? पवन भाई, ये ट्रैक्टर कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल, एमबी प्लाव, स्ट्रॉ रीपर, टीएमसीएच, रोटावेटर, पोटेटो प्लांटर, न्यूमेटिक प्लांटर, डोजर, फ्रंट एंड लोडर, सुपर सीडर, स्क्वायर बेलर, पावर हैरो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पवन भाई, स्वराज 969 FE 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस में उपलब्ध है। आकाश भाई, आपकी बात में दम है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वराज 969 FE के बारे में काफी अच्छे से समझाया। अब मैं भी सोच रहा हूँ स्वराज 969 FE ट्रैक्टर ले ही लूं। अरे पवन भाई, सोचना क्या है, बस ले ही लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे आकाश ने पवन को स्वराज 969 FE ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी, और अब पवन ने भी स्वराज 969 FE ट्रैक्टर लेने का मन बना लिया है। आइए
एक बार फिर से नजर डालते हैं इसके मुख्य विशेषताओं पर। पावरफुल इंजन, 3 सिलेंडर 66 HP टर्बोचार्ज्ड इंजन इंटरकूलर के साथ, 3478 cc डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम टॉर्क 292 Nm, कम रेटेड RPM 2000, 20% बड़ा रेडिएटर, इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप, मल्टी PTO पावर, लाइफ PTO, इकोनॉमी PTO, मल्टी स्पीड फॉरवर्ड और रिवर्स PTO, रोबस्ट ट्रांसमिशन, 12 फ्रंट प्लस 3 रिवर्स गियर स्पीड्स, प्लेनेटरी रिडक्शन, 12 इंच का मेन क्लच, 7 फ्रिक्शन पैड्स के साथ, 11 इंच का PTO क्लच, 7.50x16 फ्रंट टायर, 16.9x28 रियर टायर। एडिशनल फीचर्स, 2200 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी, सेंसिलिफ्ट हाइड्रोलिक्स, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, टॉगल स्विच, आइसोलेटर वाल्व, ट्रांसपोर्ट लॉक, आरामदायक सेफ्टी और स्टाइलिश फीचर्स, एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल बीम, बड़ा प्लेटफॉर्म, बोनेट पुश बटन, सस्पेंडेड क्लच पैडल, स्टार्टिंग सेफ्टी स्विच, सिंगल पीस बोनेट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कास्टेड फ्रंट एक्सल ब्रैकेट, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस हर काम में, कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल, MB प्लाउ, स्ट्रॉ रीपर, TMCH, रोटावेटर, पोटेटो प्लांटर, न्यूमेटिक प्लांटर, डोजर, फ्रंट एंड लोडर, सुपर सीटर, स्क्वायर बेलर, पावर हैरो के साथ बेहतरीन प्रदर्शन। तो दोस्तों, ये था हमारा 8वां मॉड्यूल स्वराज 969 FE। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।